नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बहुत स्वागत है आपका इस वार्ता में जो हम करने वाले हैं आपके साथ। अब असल में जो हमने आज देखा हिंदुस्तान में कई जगहों पर हसन नसरल्लाह के मारे जाने पर शोक व्यक्त करते हुए बहुत सारे लोग सड़कों पर दिखाई दिए। हिंदुस्तान में ये बात दोनों ही तरह के विचारों को जन्म दे रही है। ख़ास तौर से जो हिंदुस्तान में रह रहे अधिकांश लोग हैं वो ये सोच रहे हैं कि क्या मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है वो इस कदर बाकी जगहों पर रह रहे लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर रहा है। ख़ास तौर से क्या उम्मा के नाम पर ये जो एकजुटता दिखाई दे रही है, ये एकजुटता क्या कई जगहों पर परेशानी का सबब भी बन सकती है? ये बात जितनी हिंदुस्तान में महसूस की जा रही है उससे ज़्यादा महसूस की जा रही है अरब देशों में। इसलिए क्योंकि अरब देशों के ऊपर सॉलिडेरिटी का सबसे ज़्यादा प्रेशर है, और यही वजह है कि लेबनान पर जब इस समय इज़राइल हमले कर रहा है। अब आपको मालूम है कि इज़राइल ने ज़मीनी कार्रवाई भी शुरू कर दी है, ग्राउंड ऑपरेशंस भी शुरू कर दिए हैं। हालांकि इधर इज़राइल के ऊपर ईरान ने अटैक किया। ईरान ने कहा था 27 सितंबर को जब हसन नसरल्ला मारा गया था इज़राइली कार्रवाई में, उसके बाद ईरान ने कहा था कि हम इसका बदला लेंगे। बदला लेने का तरीका और बदला लेने का समय हमारा होगा। 1 अक्टूबर को हमने देखा कि करीब 200 रॉकेट दागे गए, मिसाइलें चलाई गईं इसराइल की तरफ। इसराइल ने दावा किया कि हमारे आयरन डोम ने उनमें से ज़्यादातर को बेअसर कर दिया है। हालांकि कई दावे ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि आयरन डोम इस बार उतना कारगर नहीं रहा, जिसमें से रशिया का भी एक दावा है। रशिया ने भी ये कहा कि जिन ठिकानों को, ख़ासतौर से एयरफोर्स स्टेशन को वहाँ के और मोसाद के हेडक्वार्टर को निशाना बनाते हुए जो हमले किए गए थे उसमें से ज़्यादातर सटीक निशाने पर लगे हैं। ये जो चल रहा है ये जाहिर है कहाँ रुकेगा किसी को भी मालूम नहीं है। इसलिए क्योंकि इसराइल इस बार उसी तरीके से कृत संकल्प लग रहा है जैसा उसने 2006 में दिखाया था जब लेबनान ने इसराइल को प्रोवोक किया था। लेबनान में हिजबुल्ला, असल में तब हसन नसरल्लाह ने ये प्लान किया था कि हम जाके IDF के, मतलब इजरायली डिफेंस फोर्सेस के कुछ लोगों को कब्जे में ले लेते हैं, उनको अगवा कर लेते हैं और उनके बदले में जो बहुत सारे लेबनानी इजरायली जेलों में हैं उनको छुड़ाने के लिए हम दबाव डालें। और यही सोचते हुए उस समय 2006 जुलाई में, अगर मैं ठीक हूं तो 14 जुलाई की ये बात है, 14 जुलाई को ये जब हमला किया गया IDF, आप जानते हैं कि लेबनान और इजरायल इनकी सीमाएँ आपस में लगती हैं। अगर आप देखें तो नक्शे में इजरायल का उत्तरी हिस्सा जो है वहाँ जहाँ पे सीमा समाप्त होती है इसराइल की, उसके बाद लेबनान है ऊपर, और लेबनान का जाहिर है दक्षिणी इलाका जुड़ता है इसराइल से जाकर। तो इसराइल के और लेबनान के बॉर्डर में करीब ही हमला किया गया हसन नसरल्लाह के लोगों की तरफ से, और इस तरीके से IDF के 2 जवानों को उन्होंने कैप्चर कर लिया था। 3 जवान मारे गए थे IDF के और 2 जवानों को उन्होंने अगवा कर लिया और ले जाकर अपने यहाँ पर उसके बाद नेगोशिएट करने की उन्होंने कोशिश की कि आप हमारे लोगों को छोड़ो तो हम इनको छोड़ देंगे। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने तब अपना माकवा टैंक, बड़ा टैंक भेजा था अपने 2 लोगों की रिहाई के लिए, लेकिन रास्ते में वो एंटी टैंक जो माइंस बिछाई जाती हैं उसकी चपेट में आ गया और फिर और भी IDF के सैनिक मारे गए थे। इस बात से बौखलाए हुए नाराज इसराइल ने उस समय फिर ताबड़तोड़ हमला शुरू किया, ज़मीन के रास्ते भी, आसमान के रास्ते भी, समुद्र के रास्ते भी, और फिर 34 दिन के बाद सीज फायर हुआ और तब तक बहुत ज़्यादा नुकसान लेबनान को उठाना पड़ा था। और हसन नसरल्लाह ने भी बाद में ये बात मानी थी कि हमसे ये गलती हो गई थी, अगर हमको अंदाज़ा होता कि ये इसका जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हमारे लिए है, जो हम कीमत दे रहे हैं और जो हमको मिलेगा अगर हम वो पहले सही तरीके से समझ पाते तो शायद हम ऐसा नहीं करते। ये हसन नसरल्लाह ने माना था, और कहा जाता है कि उसके बाद से दोनों ही देशों ने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए बहुत बहुत कुछ किया। मसलन इधर जो हिजबुल्ला है उसने अपने आप को मिलिटरीली और इक्विप किया, उसने अपने यहाँ बड़ी बड़ी सुरंगें बनाई, और सुरंगें भी ऐसी वैसी नहीं, ऐसी सुरंगें जिनसे ट्रक होकर गुजर जाएं, मिलिट्री ट्रक वो भी बड़े वाले। और साथ में उसने क्या किया कि अपने जो रॉकेट के लॉन्च पैड बनाए वो इस तरीके से बनाए कि वो भूमिगत लॉन्च पैड हैं, वो ऊपर आते हैं, रॉकेट्स फायर करते हैं और उसके बाद फिर से वो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। मतलब पिन पॉइंट करना, ये समझना कि किस जगह से रॉकेट्स आ रहे हैं और उस जगह को नेस्तनाबूद करना, ये उतना आसान नहीं है इसराइल के लिए। उधर इसराइल ने भी अपनी तैयारियों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया अपनी, खास तौर से जो खुफिया एजेंसी है उन्होंने ये माना था कि इस हमले के बारे में लेबनान के भीतर हिजबुल्ला सोच रहा था, हमको ये पता क्यों नहीं चला वक्त रहते। जैसे 7 अक्टूबर में पिछले साल जब हमला हुआ
हमास की तरफ से, और इसराइल में भीतर ही शिन बेट को लेकर, मोसाद को लेकर बहुत सारे लोग आलोचक हो गए कि भाई हमारी खुफिया एजेंसियां कर क्या रही हैं। उसी तरीके से 2006 में भी इसी तरीके की आलोचनाएं भीतर हुई और फिर उस आलोचना से इसराइल ने बहुत कुछ सीखा और अपने आप को बहुत ज़्यादा इक्विप किया। 7 अक्टूबर के बाद जो चल रहा है वो आप लगातार देख रहे हैं कि वो बात कहाँ तक जाएगी, कितनी ज़्यादा व्यापक हो जाएगी ये आग, ये कोई नहीं जानता। एक बार फिर से ग्राउंड ऑपरेशंस शुरू कर दिए हैं इसराइल के डिफेंस फोर्सेस ने। इस बार ग्राउंड ऑपरेशंस में वो कितने कामयाब होंगे ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है। वो इसलिए क्योंकि समझा जा रहा है कि 2006 के मुकाबले लेबनान की तैयारियां, हिजबुल्ला की तैयारियां पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन साथ में इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि इसराइल भी 2006 के मुकाबले अब बहुत ज़्यादा इक्विप्ड इसराइल है। हालांकि अभी दावा हिजबुल्ला की तरफ से किया गया कि जब इसराइल के डिफेंस फोर्सेस हमारे सदर्न हिस्से में फातिमा गेट के भीतर से होकर अंदर आने की कोशिश कर रही थी तो हमने उनको वहीं पर उनको हमला करके रोक दिया और खदेड़ दिया वापस। अब सवाल ये है कि ईरान ने, वहाँ के सबसे बड़े धार्मिक नेता ने 2020 के बाद जब रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के जो कमांडर हैं कासिम सुलेमानी वो मारे गए थे, उसके बाद 2020 के बाद आज पहली बार आकर नमाज की अगवाई की और उसके बाद तकरीर की, और तकरीर में उन्होंने ये कह दिया कि हम बदला लेंगे। कहा कि हमने ये जो किया ये जायज़ हमला था जो हमने 1 तारीख को इसराइल के ऊपर किया है। उनका ये भी कहना था कि ये तो हमने सिर्फ अभी ये बदला पूरा नहीं हुआ है और ये सिर्फ उस इंतकाम का एक हिस्सा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये तो एक तरीके से हमने सोशल सर्विस की है, हमने समाज सेवा की है, क्योंकि इसराइल जो है वो गलत तरीके से फिलिस्तीन की ज़मीन पर काबिज़ है और इसीलिए ये जो हम कर रहे हैं, हमास जो लड़ाई लड़ रहा है या हिजबुल्ला जो लड़ाई लड़ रहा है वो जायज़ है और ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। सिर्फ इतना ही नहीं, 7 अक्टूबर को पिछले साल हमास ने जो आक्रमण किया था इसराइल पर, माफ कीजिए, उसको भी उन्होंने जायज़ ठहराया कि अगर कोई किसी की ज़मीन पर काबिज़ हो जाएगा और कब्ज़ा किए रहेगा तो फिर छुड़ाने के लिए, ज़मीन छुड़ाने के लिए जो किया जा रहा है वो जायज़ है और ये लड़ाई जो हमास की तरफ से की जा रही है या हिजबुल्ला की तरफ से की जा रही है वो जायज़ है। और अगर इसराइल इस तरीके से इस जायज़ लड़ाई को दबाने की, उसका दमन करने की कोशिश करेगा तो आने वाले दिनों में हमारी तरफ से और ज़्यादा हमले होंगे। अब ये तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा हैं। जाहिर है जब कोई आपका ओपोनेंट है, कोई आपका दुश्मन है, तो आप अपनी बातों में भी उसके खिलाफ वो सख्ती रखते हैं कि बातों के ज़रिए दिमाग पर होने वाला जो असर है वो कम से कम दुश्मन पर माकूल असर हो और वो कम से कम बैकफुट पर जाए। लेकिन असलियत क्या है, रियलिस्टिकली अगर आप इसका आकलन करें तो चीज़ें किधर जा रही हैं ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि दुनिया इस समय वैसे ही आप जानते हैं कि बहुत सारी चीज़ों का आफ्टरमाथ भी झेल रही है। कोविड का आफ्टरमाथ आज तक झेल रही है दुनिया। रशिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध है वो तो ऐसा लग रहा है कि वो उसमें शायद कभी हायटस आए तो आए, फुल स्टॉप नहीं आने वाला। उधर आप जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया कभी भी कुछ भी ऐसा कर सकता है जो पूरी दुनिया को नकारात्मक रूप से हतप्रभ कर दे। और इधर जो चल रहा है वो आग कितनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इसराइल इस बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। कई बार तो अमेरिका भी अगर कुछ चीज़ों के लिए उसको समझा रहा है तो वो सुन नहीं रहा है, जबकि आप जानते हैं ये माना जाता है कि मिडिल ईस्ट में एक तरीके से एक्सटेंडेड आर्म है इसराइल अमेरिका की, ऐसा बहुत सारे लोग कहते रहते हैं। इसराइल ने जब इस बार हसन नसरल्लाह पर ये जानलेवा हमला किया जिसमें आखिरकार वो नहीं रहा, तब भी ये कहा जाता है कि हसन नसरल्लाह की तरफ से सीज़ फायर के लिए कोशिशें की जा रही थीं और ये संदेश भेजा जा रहा था, ये फीलर्स भेजे जा रहे थे कि मैं अब युद्ध विराम चाहता हूँ। लेकिन अब इतना आगे बढ़ गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू कि उनके लिए कोई यू टर्न नहीं है, ये वो भी जानते हैं, और इसीलिए वो ये अब ज़मीनी हमला भी कर रहे हैं। इस ज़मीनी हमले में, जबकि पहले से आप जानते हैं हमास के खिलाफ लड़ाई जो चल रही थी गाज़ा में, उसमें इसराइल को भी नुकसान हुआ है, और यहाँ पर भी क्योंकि पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा तैयार है हिजबुल्ला, उसकी बड़ी बड़ी सुरंगें हैं जैसा मैंने आपको बताया। पहले जो 2006 के आसपास कहा जाता था कि कुछ 15,000 से 50,000 के आसपास उसके पास रॉकेट का जो है वो ज़खीरा है, अब इस बार उसका जो ज़खीरा है वो कहा जाता है 2,00,000 के आसपास उसके पास रॉकेट्स हैं, मिसाइलें हैं। ये बात और है कि सीरिया में वो जो फैक्ट्री थी जहाँ रॉकेट्स बनाए जाते थे और लेबनान पहुँचाए जाते थे, उस फैक्ट्री पर आक्रमण करके पहले ही इसराइल ने उसको नष्ट कर दिया है। बहरहाल अब ये बात क्योंकि ये मुसलमानों से जुड़ी हुई है और मुस्लिम ब्रदरहुड की बात की जाती है, उम्मा की बात की जाती है, इसीलिए आप देख रहे हैं कि समर्थन में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, या खमेनेई ने आके ये बात भी कही है। यही वजह है कि वो यूएई हो, वो सऊदी अरब हो, वो गल्फ कोऑपरेशन
के लिए जो बना हुआ 6 मुल्कों का एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हो, बहरीन हो, ये सारे के सारे ये कह रहे हैं कि नहीं, ये तो लेबनान के साथ जो हो रहा है ये गलत है और हम सॉलिडेरिटी दिखाते हैं। अब मसला ये है कि ये सॉलिडेरिटी दिखाने तक रहेगा या ये आग अगर और ज़्यादा भड़क गई, ये एक फुल स्केल वॉर की तरफ जाने लगी अब ईरान के साथ भी, तो क्या ये सॉलिडेरिटी उस तरीके की होगी कि ये गोलबंदी हो जाए और इसराइल, और उधर इसराइल के साथ आप जानते हैं अमेरिका खड़ा हुआ है, जर्मनी खड़ा हुआ है, यूके खड़ा हुआ है, तो क्या ये उनके साथ मुकाबले के लिए पूरा जो कहते हैं कि आपने अपनी ताकत आंक ली और दुश्मन की भी ताकत आंक ली, इस हिसाब से क्या पूरी तैयारियां होगी? जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि ऐसा करना फिलहाल मिडिल ईस्ट के लिए बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि इसराइल एग्रेसिव है, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, अमेरिका उसके साथ है, यूके उसके साथ है, ये पश्चिमी देश जर्मनी उसके साथ है, और इनकी सम्मिलित ताकत, इनकी फाइटिंग पावर बहुत बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ये जो दूसरी तरफ धड़ेबंदी हो रही है, गोलबंदी हो रही है उसके। लेकिन फिर ये भी कहा जाता है कि क्या इस तरफ से शामिल होने के लिए ईरान भी सामने आएगा, क्या रशिया भी इस गोलबंदी में, क्या मिडिल ईस्ट और ईरान का अगर ये कोई धड़ा बनता है तो उस तरफ से क्या सामने आएगा? ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बहुत सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशंस पर टिकी होंगी, बहुत सारे अपने देश के हिसाब से हितों का या अहित का जो आकलन है उस पर जुड़ी हुई होगी। लेकिन अगर अभी आप देखें तो तुरंत में ये दिखाई नहीं देता कि मिडिल ईस्ट पूरी तरीके से एकजुट होकर और इधर ईरान के साथ और इसराइल के खिलाफ मोर्चा लेने के लिए सामने आ जाएगा। ये बात ज़रूर है कि ये आग धीरे धीरे फैल रही है, ये आग पहले किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि अचानक इस तरीके से गाज़ा में हमास के खिलाफ लड़ाई लड़ते लड़ते हिजबुल्ला के साथ ये लड़ाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि 2006 के बाद ये इस तरह की फुल फ्लेजेड एक लड़ाई की नौबत आएगी। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि ईरान इस तरीके से, क्योंकि ईरान में जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं उनके बारे में ये माना जाता है कि वो थोड़ा सुधारवादी और प्रोग्रेसिव सोच के व्यक्ति हैं और उनका अमूमन इस तरीके के उलझावों में और एक तरीके से जिसको कहते हैं ना कि टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स, मतलब सीधे सीधे लड़ाई में शामिल हो जाना, ये उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन वो भी इस तरीके की बातें कह रहे हैं। अभी जब वो कतर गए तो दोहा में उन्होंने रहकर इसराइल को चुनौती दी कि अब देखो आगे क्या होता है। तो एक जो धड़ा है ईरान के भीतर भी, वो जो आक्रामक धड़ा है, वो जो कट्टर धड़ा है, वो प्रेशर बनाने लगा है प्रेसिडेंट पश्कियान भी। तो ये प्रेशर जो है, ये प्रेशर बहुत सारी पहले से चली आ रही धारणाओं को और पहले से चले आ रहे जो अप्रोच है उसको बदलने वाला प्रेशर होता है। तो ये प्रेशर, ये सॉलिडेरिटी का प्रेशर, ये किस तरीके से काम करता है मिडिल ईस्ट में, ये मुल्क आने वाले दिनों में कैसे रिएक्ट करते हैं, इस पर बहुत सारी चीज़ों का दारोमदार है। लेकिन ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि इनमें से कोई भी ये जो फ्लैश पॉइंट्स चले आ रहे हैं, ये फ्लैश पॉइंट और ज़्यादा एक्टिवेट हो सकते हैं और ये पूरी दुनिया के लिए खतरे का एक बड़ा सिग्नल है। फिलहाल इतना ही।